अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहें, खुश रहें। ये वन प्लस का फ़ोन है, मुझे नहीं पता मॉडल क्या है, अंदर जाके देखते हैं। इसको FRP लगी है, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। सॉरी मैं भूल गया हॉटस्पॉट ऑन करना, मुझे अपने मोबाइल से ही हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा क्योंकि ये फ़ोन यहाँ पे आपका हिल भी सकता है। थोड़ा सा वेट कर लें आप। बैक एग्री, यो बिना वाईफाई का नहीं है। ये आ गया वाईफाई, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसको गूगल अकाउंट चेक करते हैं, लगा भी है या नहीं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे क्लिक करते हैं। बिल्कुल इजी तरीका बता दूँगा, कोई भी वन प्लस का फ़ोन हो ना जिसका एंड्रॉयड वर्जन 11, ये मेथड सब में काम करेगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं एक दो वीडियो बना चुका हूँ, शायद आपने नहीं देखा होगा। एमरजेंसी यहाँ पे है ना, अगर ये आता है ठीक है, नहीं तो सिम पिन लगा लो, ये पक्का आ जाएगा, ठीक है। इस पर हमने क्लिक करना है, फिर यहाँ पे रेड कलर पे डबल क्लिक करना है, ठीक किया। ऐड कॉन्टैक्ट्स है ना यहाँ पे, इस पर हमने क्लिक करना है, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्लिक करना है, फिर लास्ट वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद गो टू सेटिंग्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परमिशन पे, यहाँ पे सर्च करना हमने सेटिंग SET। अगर हम फुल सेटिंग लिखते हैं ना फिर आता ही नहीं है, ये आ गया ना सेटिंग, खाली मैंने लिखा SET, ठीक। ये सेटिंग आ गया, यहाँ पे ओपन करता हूँ मैं। सबसे पहले आपको मैं क्या दिखाता हूँ, एंड्रॉयड वर्जन इसमें क्या है, ठीक है। ये है वन प्लस 8 प्रो है, ठीक है। एंड्रॉयड वर्जन देख लो आप, 11 है ना, ठीक है। ये आ गया 11, ठीक। अब मैं बैक करता हूँ यहाँ पे, हमने कहाँ पे जाना है, हमने जाना है, कहाँ गया भाई साहब, ऐप्स क्लिक करता हूँ मैं, 55, यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस, देखो वहाँ पे गए थे, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं आती थी, ठीक। इसको पहले स्टॉप करना है, उसके बाद डिसेबल करना है। डिसेबल करके आपको क्या करना है, रिस्टार्ट करना है, कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। रिस्टार्ट कर लो, ये देख लीजिए आप, स्टार्ट एग्री, अब देख लेना आप। डोंट कॉपी पे क्लिक करते हैं, काम खत्म है, FRP खत्म। ठीक है, अब यहाँ से आप वीडियो को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। कुछ पंगा किया मैंने क्या? हाँ किया था, ये देख लीजिए। उसके बाद हमने जो गूगल प्ले सर्विस जो है ना, उसको हमने इसको इनेबल करना, फिर बस, नहीं तो प्ले स्टोर नहीं चलेगा, ठीक है। अब देख लीजिए आप,